हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। सो मैंने कुछ कोरल सा ऑरेंज सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो आप ये डे टाइम के लिए या फिर नाइट टाइम के लिए, दोनों टाइम के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको अगर डे टाइम में जा रहे हो ना तो थोड़ा हाईलाइटर कम कर देना तो वो इनफ होगा, और रात के लिए तो चलेगा, बैंग बैंग अच्छा लगता है हाईलाइटर। तो या मेकअप लुक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद मुझे बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और ये वाला मेरा जो मेकअप लुक है ना वो मैंने 15 मिनट्स में ही क्रिएट किया है, क्योंकि टाइमर में भी 17 मिनट है, तो मुझे सिर्फ 15 मिनट्स लगे हैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। सो काफी इजी क्विक सा मेकअप लुक्स है। सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मैंने अपने स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर लिया है, तो मैं नेक्स्ट प्राइमर यूज करूंगी, तो मैं उसके लिए ये शुगर का फेस फॉरवर्ड स्टिक यूज कर रही हूँ। और अच्छे से मसाज कर दूंगी। देन कंसीलर के लिए मैं ये मेरा वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द शेड मीडियम टॉनी, और मैं इसके सिर्फ इसको अपने अंडर आईज और आईलेट्स पे ही अप्लाई करूंगी। और एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। सो तो फाउंडेशन के लिए मैं ये मेरा फिट मी का मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। मैं इसका हाफ पंप ले रही हूँ और इसको डॉटिंग मोशन में पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। मैंने ज्यादा नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा सा लिया और मैं ब्लेंड कर दूंगी। सो अपने फेस को सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, तो मैं ये सेज ब्यूटी का प्राइमर एंड मैटिफाइंग सेटिंग पाउडर ले रही हूँ, और मैं एक फ्लफी ब्रश लूंगी और इसमें से हल्का सा डिप करूंगी। एक्सेस को डस्ट ऑफ कर रही हूँ और अपनी अंडर आईज पे अप्लाई करूंगी। एक काफी फाइन सा पाउडर है, काफी अच्छा सा मैट लुक दे देता है, और समर है ना, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हैं प्रोडक्ट। और रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं ऐसे ही जस्ट ब्रश को चला दे रही हूँ, क्योंकि ये वैसे भी फाइन पार्टिकल्स है ना, इसके फाइन पाउडर है तो ये अच्छे से फेस को सेट कर देगा। तो ब्लश के लिए मैं ये ब्यूटी ग्रेस का मिस्टीरियस आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से जो ये जो शेड है ना, ये वाला कोरल सा, इसको पिक कर रही हूँ एक ब्लश ब्रश पे। एक्सेस को डस्ट ऑफ करूंगी और स्माइल। देन अपने फेस को थोड़ा सा ब्रॉन्ज अप करने के लिए मैं ये लैक्मे का एब्सोल्यूट मून लाइट हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, और ये साइड में इसकी यूज करूंगी। सो हाइलाइटर के लिए मैं ये के ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, और एक फ्लफी ब्रश लूंगी एकदम कुछ इस तरीके का, ये मैं ब्रश ले रही हूँ और मैं इसको हल्का सा पिक करूंगी और अपने फेस को हाईलाइट करूंगी। सो आई शेडो पैलेट के लिए मैं ये क्रिस्टल का फ्लॉक्यूलर का क्रिस्टल इम्प्रेशन 16 पन आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और इस पैलेट में से मैं सबसे पहले ये ऑरेंज जो शेड है ना, ये वाला, उसको पिक करूंगी और इसको मैं अपनी एज अ क्रीज शेड अप्लाई करूंगी। एक्सेस को डस्ट ऑफ। इस शेड को मैं लोअर लैश लाइन में भी अप्लाई करती जा रही हूँ। उसके बाद मैं ये सेम पैलेट में से जो ये वाला जो शेड है ना, ये वाला, उसको पिक कर रही हूँ। मैं ये सेम ब्रश ही रख रही हूँ, इसको पिक करूंगी
एक्सिस को डेस्कटॉप और इसको मैं आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी। अब मैं एक मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इसको अच्छे से स्प्रे करूंगी ब्रश को। और देन मैं ये पैलेट में से जो ये शेड है ना, मैंने ये रो ही यूज की है तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, ये शिमर शेड है, और इसको मैं 1/3 ऑफ द आईलिड पे अप्लाई करूंगी। और सेम शेड को मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर रही हूँ। और देन फ्लफी ब्रश सेम लूंगी और एजेस को मैं ब्लेंड कर लूंगी। देन मैं ये शुगर का कोल पेंसिल ले रही हूँ इन द शेड 01 05 ब्लैक मैजिक। मैं इसको आउटर कॉर्नर्स पे ही अप्लाई कर रही हूँ। मुझे वो एक्चुअली NYB वाली है ना, वो मिल नहीं रही है, इसके लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। और अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा स्मोक आउट कर दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी। मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर दी है ऑफ कैमरा जाके, सो मेरी आईब्रोज भी डन है। तो मैं मस्करा के लिए ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्करा यूज कर रही हूँ और इसकी हेल्प से अपनी लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी। सो लिपस्टिक के लिए मैं ये शुगर की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 12 डॉन फॉन यूज कर रही हूँ। और लास्ट अपने फेस को सेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे इन द वेरिएंट नेचुरल फिनिश यूज कर रही हूँ। Thank you.